producer and director of the this particular song. So उनके शूट के दौरान मतलब मैंने इनको एक गाना मतलब पहले सुनाया था मतलब, तो उनको मतलब कुछ कंसेप्ट बताया था, तो जो कंसेप्ट में जो मतलब दौरान मतलब हम लोग का डिस्कशन हो गया था, तो इस गाने का मतलब जो बिल्कुल ऐसा लगा इट्स वेरी गोइंग फॉर गोइंग विद द कंसेप्ट. सो इट्स बेसिकली मतलब इंटरेस्टिंग एंड नो लाइक बिकॉज अरिजीत सिंह द मतलब एवरीबडी इज़ लाइक यू नो मतलब बॉन्ड लेजेंड्स एक्चुअली. सो इनका जब सेशन आया था तो मैंने भी यही कहा मतलब कुमार शानू जी सिंह को बहुत पसंद आया, फिर ये फिर शुरुआत हो गई जाने की. इंजीनियर शूट ऑफ गाफिल मुझे लविने जी काफ़ी अच्छा लगा रोल, तो उसमें परफेक्ट लगा मैं, तो इसलिए लविने जी के साथ भी हमने काम करना अच्छा समझा. और रिजल्ट आप देख ही रहे, जो सॉन्ग आपने देखा काफ़ी अच्छा सॉन्ग निकल कर आया है. सर उससे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मतलब इस तंजीर गाजी महान सिंह में जो उसमें भी गाने लिखे जर्नी की मतलब प्रवीण जी की मतलब जो कंसेप्ट की जो विजन है उसके साथ फिर साथ के साथ गर्ज भी बनता रहा, देन एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द जर्नी होता रहा. अगर बात करो सर डायरेक्शन, तो इन दिनों काफी गाने आ रहे हैं बहुत अलग अलग टाइप के हमने गाने सुने, इस डायरेक्शन में आपने क्या कुछ नया देने की कोशिश की, बाकी गाने से इसको किस तरीके से आपने उसको अलग बनाने की कोशिश की? स्टोरी लाइन इसमें जो भी इंट्रोडक्शन सो इनका मतलब आई थिंक कॉलेज डेज में मतलब इनका डायरेक्शन का पैशन था, लेकिन होता है ना मतलब इंजीनियर डॉक्टर्स, सो पैशन को थोड़ा साइड में रख के ही कैरीड द लाइक यू नो. सो नाउ इज अ डॉक्टर बट इस पैशन में से डायरेक्शन देना, वो भी इतने बड़े कलाकार जैसे कि लीजन कुमार सर, शरद सर मैम, इतने सब कुछ उनका कलाकार आपके साथ जुड़ गए, एकदम अलग ही माहौल रहा होगा. इट वाज अ वेरी एंग्जियस स्टेट, बहुत एंग्जाइटी थी उस वक्त मुझे करने की. तो जब कुमार शानू सर के साथ मैं कर रहा था जब स्टूडियो में, तो उस वक्त भी सिंग वो कर रहे थे पर एंग्जाइटी मेरी बढ़ रही थी उस वक्त. तो इट वाज वेरी मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक्सपीरियंस था. और शरद की एक्टिंग स्किल्स तो आपने देखी है काफ़ी ज़्यादा. लविंदर के साथ गाने बदल देते हैं अगर दूसरे बहुत जबरदस्त एक अलग ही प्यार हो जाता लोग. इन दिनों ब्रेकअप के पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भाग गया, फिर आप किस तरीके की लाइन सोचती गाने कुछ नया बनाने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए एक बात मैं बता दूँ, बॉलीवुड में या म्यूजिक वीडियोज में तीन टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं गानों के. एक तो ये होता है कि रोमांटिक सॉन्ग, सैड रोमांटिक, और एक होता है आइटम नंबर. इन्हीं तीनों के से बाहर हम नहीं निकल पाते. इस गाने में इन तीनों के अलावा एक और चीज़ है, वो आपको गाना देखने के बाद पता चलेगा. ये सैड रोमांटिक भी नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है, और आइटम नंबर भी नहीं. इसका लिरिक्स का जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है. और कुमार सानू ने बहुत बहुत बढ़िया गाया इस गाने को, एक चार चांद उन्होंने इसको लगा दिए हैं, तो आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों को जानना चाहूँ, कुमार सर जिस तरीके से लीजेंड है जाने जाते कुमार का, उनका जो बिहेवियर था सेट पे किस तरीके का लगा कभी देखकर उनके साथ काम करने की, यार वो एक लीजेंड है कि वो एकदम ऐसे ही वाज वेरी डाउन टू अर्थ मैन, वेरी हंबल. इट्स वेरी हम्बल एंड उनका जो एक चीज़ मैं मतलब कहना चाहता हूँ बिकॉज मैंने आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर एंड अरेंजर. आई वर्क्ड मतलब इस्माइल दरबार साहब के साथ कुछ काम किया था मैंने, तो उन्होंने एक चीज़ बताया था मतलब आई थिंक कुमार शानू जी का जो इज़ लेजेंड फॉर अ रीज़न एक्चुअली. जो गाने थे मतलब आँखों की गुस्ताखियाँ, तो इस गाना मतलब इट्स लाइक यू नो आप यू नो दैट इस्माइल दरबार इस मतलब उनका कंपोजिशन बहुत एडिटेड एंड नोट्स होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशन, बट द सॉन्ग शानुदा ने 15 मिनट्स में मतलब इस गाने को गाया था. इट्स रिकॉर्ड बिकॉज आई हैव सीन दैट मेनी सिंगर्स लाइक यू नो जैसा मतलब मेनी सिंगर्स इन द मार्केट दे टेक लाइक ना 4-5 मिनिमम तो निकल गया मतलब बिकॉज ही हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस, बट इट्स नॉट द एक्सपीरियंस, ही हैज़ गॉट अ परफेक्ट ब्लेसिंग एक्चुअली. आई हैव सीन दैट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड एक्चुअली. या जिस तरीके से चीज़ें जानी कहीं ना कहीं समझिए कि पॉजिटिव माहौल बन गया, तो आप लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई. आगे भी प्रोजेक्ट्स को लेकर बात करो तो किस तरीके की आप लोग अब तैयारी है? आगे हमारे एक्चुअली तीन सॉन्ग्स हो रहे हैं. फैजल जी हमारे साथ बकेट लिस्ट फिल्म्स में हैं, और तीन सॉन्ग अभी इटली में हम शूट करके आए हैं. तो हम ऐसे ही एंटरटेनमेंट जैसे इस सॉन्ग में ऐसे हम चाहेंगे आप लोगों को और दें. लास्टली फैंस ऑडियंस की क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ आशा है इस गाने को लेकर, आगे कहां तक पहुंचाना है?
बड़ा बहुत खूबसूरत गाना है एक्चुअली. कुमार सानू की जो आवाज़ है मोहब्बत की आवाज़ है और मोहब्बत कभी मरती नहीं है. कुमार सानू को हमने 90 के दशक में भी सुना, 2023 में भी सुन रहे हैं उनकी आवाज़, और आज से 50 साल बाद 100 साल बाद हमेशा उनको सुना जाएगा. तो इसकी USP है कुमार सानू. और एक्टर जो है हमारे शरद जी हैं, ये लवीना जी हैं, बहुत बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया इसमें गाने में. तो ओवरऑल गाना म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे, प्रोड्यूसर ने बड़ा सबको फ्रीडम दिया अपने तरीके से काम करने का, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा शूट किया, तो ओवरऑल पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए एक गाना एक बेहतरीन गाना बनकर आया है और ऑडियंस को यकीनन अच्छा लगेगा. शरद को लेने का खास मकसद ऐसे एक्टिंग स्किल्स. यस यस. गाफिल का शूट चल रहा था जो हमारा लास्ट सॉन्ग गाफिल रिलीज होता है जून में एक्चुअली, तो उसी वक्त प्रपोजल इस गाने का असलम जी की तरफ से आया था, तो उसकी एक्टिंग स्किल देख के शरद की, तो हमें साथ साथ सोच रहे थे शरद को ही लेंगे उसमें. किस तरह का मूड है गाने का पूरा ये एक लाइन में? एक्चुअली सैड, जैसे अभी तनवीज बताया कि सैड भी है, रोमांटिक भी बोल सकते हो, सैड रोमांटिक भी बोल सकते हो, तो ओवरऑल तो फिर सैड मूड रहेगा थोड़ा. जब बात की, जब हम मिले फर्स्ट टाइम, तो जो भी इनका बिहेवियर था, जो भी एक्टिंग मतलब ये कर रहे थे, जो भी पार्ट थे, इन्होंने समझ लिया, तो हमें किसी को फील नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम काम करेंगे लवीना के साथ, कैसा कुछ भी फील नहीं हुआ. कोई भी शॉट रिटेक हो रहे थे, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं किया कि क्यों ले रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, और शॉट्स बड़े अच्छे अच्छे देते गए. सर टाइम के अकॉर्डिंग बात करें, हर चीज़ें बदल रही हैं, म्यूजिक भी बदल रहा है, आर्टिस्ट भी अपने हिसाब से लोग लेते हैं, पहले गिने चुने आर्टिस्ट होते थे, तो उसमें क्या और गाने से हट के क्या आपने अलग किया है इसमें? सर मेरे ख्याल से ये आप नहीं एक्सपेरिमेंट, और ये आप एक बार देखने का, मैं आपसे चाहूंगा इसका रिव्यू लेना, आप एक बार देखो प्लीज. ये कहाँ पे शूट किया आपने? ये मदालिन में. कोई शूट का ऐसा वाकया शेयर करेंगे शरद जी के साथ? ओवरऑल एक शेयर करूंगा मैं कि इसमें अराउंड मॉर्निंग आज थे 12:30 के अराउंड, तो हमें अभी एकदम लगा कि हमें लास्ट में एक एक्शन सीन लेना शॉट का, तो वो हमारा प्री डिसाइडेड नहीं था कुछ भी, हमने उसी वक्त स्टोरी लाइनअप किया, जो भी यूज़ करना था शॉट यूज़ किया, फाइट मास्टर को उसी वक्त अरेंज किया हमने, जो कि मुझे लगता नहीं कि इतने टाइम में सब कुछ चले जाए, 12:30 पे हमने डिसीजन लिया और बाय द 1:30 और 2 PM हमारा फाइट मास्टर आ गए, तो हमारा शॉट हो गया था वो. हर गाने की एक स्टोरी होती है आजकल, जितने 80% गाने बनते हैं, तो क्या स्टोरी बेस्ड है? ये स्टोरी बेस्ड सॉन्ग है. स्टोरी बेस्ड है. कुमार सानू जो है खुद काफ़ी बार बोल चुके हैं कि 80-90 का दौर उदित जी कुमार जी ने काफ़ी बोला है कि दोबारा आ चुका है, जो आजकल की जनरेशन है वो हो सकता है अभी इनको इतने कुमार शानू जी उदित की तरफ नहीं है उनका झुकाव, पर जो हमारी जनरेशन है उस टाइम की और जो अभी भी लोग पसंद कर रहे हो इंडियन आइडल से भी काफी, फिर से कुमार शानू जी मार्केट में काफी उनका नाम हो गया, तो मैं कल से पसंद करेंगे वो. अभी वो सॉन्ग अच्छा है और वो जनता से मैं चाहूँगा कि मेरे को प्यार मिले और ये सॉन्ग एक अच्छे वो मुकाम पे पहुँचे और आगे भी उनको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी इसकी लिरिक्स थोड़ा सा इस पर कुछ बोल्ड लाइनें भी मिलेंगी, मैं आपको कुछ लाइन सुना देता हूँ कि चाहे तू कहीं भी खुद को बेलिबास कर, मेरे ही निशान होंगे तेरे जिस्म पर, नींद ही जो छीन ले तू ऐसा ख्वाब है, जहर है जिसमें मिला तू वो शराब है. तो आगे आप गाना सुनिए तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मज़ा आएगा. ये आज रेडी है और हाँ अभी आप रिलीज करेंगे, देखिए बेवफाई का बयान है पूरा गाना, तो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच सर. नहीं मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि एक अभी ना जो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो हालत है उसमें नए लड़के लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा अच्छा काम अच्छा अच्छा म्यूज़िक लेके आ रहा है. मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, मैंने जितने भी देखा, इसमें असलम को मैंने देखा एक चीज़ कि ये लोग ना मॉडर्न थिंकिंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या एक मेलेडी को रख के करते हैं, जो कुछ भी करते हैं मेलेडी के साथ म्यूज़िक कर रहे हैं, एंड मेलेडी ऐसा एक चीज़ है कि कभी नहीं मरती, और मेलेडी हमेशा चलते रहते हैं हमेशा. तो असलम को मैंने देखा कि इन्होंने जो गाना किया
इसमें भरपूर मेलेडी है, लिरिक्स राइटर को देखा, एक स्टोरी टाइप का लिखने का कोशिश किया, बहुत ज़्यादा उर्दू शायरी नहीं है, जरूरत नहीं है, एक स्टोरी हो गाने में। हर गाने में पहले यही सही होता था ना, एक गाना सुन के पता चल जाता कि गाने में क्या बोलना चाहता है, क्या हो रहा है सिचुएशन। तो इस गाने में भी ऐसा ही लगा, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर का नाम है प्रवीण गुप्ता, प्रवीण ही तो है, हाँ प्रवीण गुप्ता, प्रवीण गुप्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया। लिरिक्स राइटर जैसे कि तनवीर गाजी साहब, जिन्होंने ये लिरिक्स लिखा, टोटल एक टीम वर्क जो है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी विद दैट सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली इसका हमारे फैंस जो है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सुने, जरूर सुन के वो डिसाइड करें। एंड सबने अच्छा काम किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने नए टैलेंट की बात की, मैं आपसे इन दिनों पुराने गानों को रीअरेंज रिक्रिएट करके हम सभी के बीच में लाया जा रहा है, दूसरी तरफ नए टैलेंट आकर नए गानों को नए लिरिक्स को हमारे बीच में देख रहे हैं, आप किस तरीके के गाने पर बिलीव करते हैं? देखिए पुराने गाने को लेके रिमिक्स हो रहा है और ये जो हो रहा है, ये भी कुछ खराब चीज़ नहीं है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इसका साइड आप अगर देखोगे तो क्या होता है कि कुछ आज का जनरेशन जो है वो पुराने गाने जो जिसको लेके हम रिमेक कर रहे हैं, क्या है कि पुराने गाने उनको शायद मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि ये नया गाना नए रूप में आ रहा है वो पुराने गाने, तो उसके वजह से ये जान पाते हैं कि हु इज़ द सिंगर, हु इज़ द लिरिक्स राइटर एंड वो इज द म्यूजिक डायरेक्टर, वो इज द म्यूजिक डायरेक्टर। तो एक्चुअली क्या है कि ये एक पॉजिटिव थिंग है कि उनको मेलेडी को लेके ये लोग रिमेक कर रहे हैं, मेलेडी इतना हिट था उस मेलेडी को लेके, ऐसा नहीं कि पुराना उल्टा पलटा गाना कोई नहीं, मेलेडी को लेके कर रहा है, जो गाना हिट है, जो गाना हम लोग उस 90s में 80s में 70s में जो लोग सुनते थे जो गाने, उस गाने को अभी 2023 में लेके आ रहे हैं। तो आप सोचो कि इतना साल बाद उस गाने में कितना दम है जो आज भी लोग उस रिमेक को सुन रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट सिमल्टेनियसली न्यू कमर्स जो लोग आ रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम जैसे सिंगर हो या हम जैसा बहुत सारे प्रोड्यूसर है, इन लोगों को चांस देना चाहिए, इन लोगों को सुनना चाहिए, कम से कम लिरिक्स राइटर हो या न्यू कमर म्यूजिक डायरेक्टर हो, उनको सुनना चाहिए। आई रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इन लोगों को, नए लोगों को सुने और नए लोगों को देखिए, हमारा काम कर रहा है, हम नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नए लोगों के साथ बहुत सारे गाने मेरा रिलीज हो रहा है एक के बाद एक, आप देख रहे हैं यूट्यूब में, तो हम तो कर रहे हैं, बाकी काम जिनका है थोड़ा वो लोग भी करे तो फिर मज़ा आ जाए। जिस तरीके से आपने मेलोडी की बात की, अगर आपके गानों की ऐसा कोई आपका एक गाना जो आप चाहते हो कि आप फिर से एक बार 2023 में 24 में बंद कराए, कुछ है? बहुत है यार, आपको कोई एक हजारों गाने हैं ऐसा जो रिक्रिएट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ये लोग पर्टिकुलर कुछ गाने को उठाते हैं, एक दो गाना जैसे कि आप देखा होगा मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये मेलोडी से ये अच्छा है, उस समय हिट था, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा मेलोडियस सॉन्ग्स जो है मेरा है, तो उनको भी अगर लेके आएगा तो आई विल बी हैप्पी। सर जी आपसे जानना चाहेंगे, एक्टर भी वर्क करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आपका स्वैग दिख रहा है, चेन जैकेट एंड ऑल, कहीं ना कहीं सकते हैं 24 में आपके गाने के रीमेक में आप ही एज एन हीरो आ जाए और दो तीन हीरोइन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम तो देखो हम सबसे बड़ी बात है कि हम हीरो बनने के लायक नहीं है, वो जबरदस्ती हम बनना ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी हो जाते हैं वो फोटो अच्छा ले लिया होगा तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जिनका काम उसी को करना चाहिए। हीरो देखो ये अपना जो शरत है इसमें लग रहा है कि कुछ कर रहा है, वो एक्टिंग बोलो या उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो बॉडी मूवमेंट है, सब कुछ एक हीरो ठीक है। वो हमें आप मजाक में बोल दिया ठीक है, इट्स ओके, हमें कोई देखो हमें कोई बोले तो हम क्या, हम पियानो बजा के गा सकते हैं। हमारा एक गाना रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, पियानो बजा के एक गाना हमने रिलीज किया था, एक गाना समझ लो कोई चल के जा रहा हूँ बस इतना ही, वो ऐसा हीरोइन के साथ लपक झपक नाम करना सिंगर भी अभी हीरो बन रहे हैं ना धीरे धीरे। हाँ बनने दो ना, जो बन रहा है बन रहा है, हमें नहीं बनना है। सर जी क्या कहना चाहोगे आज के गाने के बारे में, आप हिस्सा बने कुमार सानू जी की आवाज का, कितना प्राउड? बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हर हीरो और एक्टर का सपना होता है कि द लेजेंडरी सानू दा का वो एक गाना करे,
तो मेरा वो सपना पूरा हो गया दादा बिल्कुल आई थिंक वो म्यूजिक वीडियो में पूरा हुआ है, मैंने सपना अभी थोड़ा बाकी है, वो फिल्म में पूरा होना चाहिए तो इंशाल्लाह किसी दिन वो भी होगा। बट थैंक यू दादा कि आपने जो जिस तरह से अपना लेजेंडरी जो अपनी आवाज़ हमें दी है, प्रवीण जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका डेब्यू है, आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक जॉब, आई थिंक असलम भाई, तनवीर भाई, एवरीबॉडी, एंड ऑब्वियसली टू टॉप इट वी हैव द माएस्ट्रो, तो आई थिंक पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, एंड आई थिंक जो आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जो हमारे एडिटर बैठे हैं पीछे मिराज भाई, आई थिंक एवरीबॉडी, आई थिंक सब ने बहुत मेहनत के बाद ये आपको दिखता है, तो उसके बाद जो कहते हैं ना जो जो आइसिंग ऑन द केक वो फिर दादा हो जाते हैं एकदम, कि उसके बाद तो एकदम सब कुछ रेडी हो जाता है पूरे दुनिया को, फिर टोटल टीम वर्क है जी। आपसे अगर स्टोरी जाने शरद भाई क्या कहना है, किस तरह की स्टोरी? अब तो गोली मार दी ना, अब स्टोरी क्या है फिर? नहीं टू बी कंटिन्यू रहेगा क्या ये? वो तो फिर आपको डायरेक्टर बता सकते हैं टू बी कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, आपसे जानना चाहेंगे वो चाहते हैं कि अब मैं चीट करूं कि नहीं करूं। नहीं, ये सस्पेंस है, जी बाहुबली को किसने मारा? जी शरद जी एक सवाल मेरे मन में है कि आपके कोई भी गाने को एक मैसेज जाता है ऑडियंस को, भाई इसमें कोई मैसेज नहीं है, क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि मैंने एक चीज मैंने नोटिस की पूरे गाने में कि हम किसी को चाहते हैं और उसको हम वो अपने से दूर जाता है, भाई इतना लंबा करने की कोई ना, दागा दागा करोगे तो गोली खाओगे, गोली खाओगे सीधी बात है, इतना लंबा देखिए मैं दादा दोनों कलकत्ता से हैं, हमें यही समझ में आता है दागा करोगे कोलकाता गोली खाओगे, सीधी बात है ना, दागा करोगे तो गोली खाओगे बिल्कुल। लेकिन कौन मारा सर, दिखाई नहीं दिया उसको, वो तो सस्पेंस है, अभी बोला सर ने, ये तो सस्पेंस है, किसको मारा वो पार्ट टू में देखेगा आपको, पार्ट टू मारा आपसे, बॉयफ्रेंड को मारा या लड़की को मारा किसी को पता नहीं चला ना, ये दिस इज आपको मैं चाहिए सेकंड पार्ट में तो बॉयफ्रेंड मर जाएगा, कैसे एक्सपीरियंस रहा सर दोनों का, हीरोइन का आपके साथ? नहीं आज ही इंटरव्यू में है, मतलब ये मरा नहीं, मरी नहीं। सर आपसे जानना जी, आपके अगर गाने उठा के देखे तो अक्सर आपने प्यार में दर्द सहा है और सहते हैं, लेकिन आपसे सर एज एन आपने डेब्यू किया तो आपने स्टडी की शरद सर क्या जिनके प्यार को मैं हेल्प करता हूँ सीधा गोली देता हूँ इनके हाथ में, घर क्या शरद सर कुमार सर है, सर काफी लास्ट मिनट दो दिन पहले आई थिंक आई गॉट अ कॉल एंड शरद ने कहा कि तुम सिर्फ एक बार गाना सुन लो, मैंने बोला ठीक है, जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी वो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि हू इज द सिंगर बिकॉज ऑब्वियसली, एंड आई सेड यस लेट्स डू इट, सेट पर गए एंड थोड़ा थोड़ा आइडिया था क्या हो रहा है, लेकिन जैसे पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि काफ़ी एंड में हमने स्टोरी चेंजेस की थी, एक्शन एंड एवरीथिंग, जब मुझे पता चला दैट आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव लीड आई वॉज लाइक दिस इज गोना बी माई फर्स्ट टाइम नेगेटिव रोल प्ले किया मैंने, लेकिन आई सेड चलो एज एन एक्टर ये भी एक एक्सपीरियंस है। अभी भी व्हेन वी वर वाचिंग द वीडियो शरद को मैंने कहा कि यार किस तरीके से पोर्ट्रे किया, अब तो लोग मुझे नफरत करेंगे क्योंकि इनके गाने तो हिट होते ही है एंड आई एम द नेगेटिव वन, बट आई एम रियली लविंग द एंटायर प्रीव्यू ऑफ द सॉन्ग, डॉक्टर प्रवीण जी इन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है एंड द लिरिक्स आर अमेजिंग बाय तनवीर जी, इनफैक्ट ये शूट करने के 3 हफ्ते तक मैं ये गाना बस गाती रहती थी एंड मुझे लोग पूछते थे कौन सा गाना गा रहे हो, आपको क्या हो गया है, कहाँ सुन लिया आपने ये गाना, एंड आई वाज लाइक नहीं ये कुमार सानू सर का गाना है एंड ये हिट जाएगा आप लिख कर ले लो, एंड इट वाज अमेजिंग म्यूजिक असलम जी, वेरी वेरी अमेजिंग, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू फैजल, फैजल ने ही इज द वन जिन्होंने मेक श्योर किया कि ये पूरा टीम साथ में रहे एंड ये आउटपुट अच्छे से आए, एंड या ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग येट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। कुमार सर जैसे आपने कहा कि दगा करेंगे तो गोली मार देंगे, आप किस तरीके के प्यार पे बिलीव करते हैं? बहुत दिन हो गया अभी इस बारे में ना पूछो तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि, प्यार का मतलब मैं ये समझता हूँ कि सिनेमैटिक जो होता है ना वो एक किस्म का होता है कि आप बगीचे में गाना गा रहे हो, बारिश में भीग के दोनों रोमांस कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि लव इज़ अ
मेरे ख्याल में इट्स अ नाउ इट इज गिव एंड टेक बट इट इज सैक्रिफाइस. लव ऑलवेज सैक्रिफाइस से जाना जाता है कि वो लव लव है. तो एक होता है सैक्रिफाइस, एक तो होता है सैक्रिफाइस, दूसरा होता है ड्यूटी. ड्यूटी भी आता है बाद में, तो सैक्रिफाइस से वो ड्यूटी आता है. तो लव लाइक के हमको अगर पूछेंगे तो मैं ये इसमें बिलीव करता हूँ, इसमें बिलीव करता हूँ कि इसमें एक ड्यूटी होना चाहिए, इसमें एक दूसरा जो पॉइंट बोला वो होना चाहिए. दादा 80-90 का जो दौर था, क्या धीरे धीरे वापिस आ रहे गाने, मेरे पुराने गाने जो हैं? ऊरवाला करे कि वापिस आए ताकि हमारे समाज में भी थोड़ा सुधार आए. हाँ, क्योंकि 80s-90s के बोल के नहीं, मेलेडी वापिस आए बस बहुत बड़ी बात है. रिमेक बनता है, पूरे गाना खराब कर दिया जाता है रिमेक्स मार के. आप बोल रहे खराब कर दिया, कुछ लोगों ने उसके ऊपर तो बहुत नाचा, बहुत रोमांस किया. अभी अब कौन किसका क्या है ये, अब देखिए अभी रिमेक होता है तो उसका कुछ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो ये तो क्रिटिसाइज तो होगा ही, एंड डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है कि ओरिजिनल सिंगर के साथ कंपेयर किया जाता है. आई थिंक वो करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के सिंगर का वो अपने हिसाब से गाते हैं, अपना आज का समाज के हिसाब से गाते हैं. हम उसी समाज के हिसाब से गाए थे जिस समय हमारे उस, तो वो एक कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है. ये सब जो कंपैरिजन चलता है ना, अच्छा बुरा, ये सब एकदम हंसी मजाक वाली बात होती है. ये कोई मतलब ही नहीं होता है, कौन अच्छा कौन बुरा, ये कोई इसका मतलब ही नहीं है. हम हमारा जगह बना के रख दिया. और भी लेजेंडरी सिंगर्स बहुत सारे हैं हमारे इधर, वो अपना जगह बना के रख दिया. अभी समझ लो उससे मैं अगर 2000 गाना ज़्यादा गाया, इसका मतलब मैं उनसे बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि वो हमसे पहले आए, वो अपना जगह बनाया, हम उसको फॉलो किया. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. लेजेंडरी का एक मतलब होता है कि आप समाज को कुछ दे रहे हो, यू हैव टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी. तो सबसे बड़ी बात है वही है कि तुलना हम किसके साथ क्या करेंगे. अभी आज भी अच्छा गाना बन रहा है भैया, ऐसा नहीं कि अच्छा गाना नहीं बन रहा, आज भी अच्छा गाना बन रहा है. बहुत सारे फिल्मों में हमने अरिजीत सिंह को सुना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने उनका आ रहे. के तो बहुत ज़बरदस्त था, उनका इतना अच्छे अच्छे गाने हम लोगों ने सुने. तो नहीं है ये गलत बात है, आज भी है, लेकिन लेस क्वांटिटी. आप बोल सकते थे कि 90s में 80s में 10 के 10 गाना हिट हो जाता था, 10 में से 8 गाना हिट हो जाता था. आज चलो 2 ही गाना हिट है, एक पिक्चर में 1 गाना हिट हो रहा है, लेकिन क्या है कि है मेलोडी है, अगर तवज्जो देंगे लोग पसंद करेंगे. डिपेंड्स ऑन क्राउड, डिपेंड्स ऑन पब्लिक. बट दादा हम अगर आप बात करें इंडियन आइडल की, हम बात करें हाल ही में मुकेश जी का 100 ईयर सेलिब्रेट किया, इतने अच्छे से गाना गाया सब ने, काफी बार आप भी इमोशनल दिखे थे, एज एन ऑडियंस मैं भी काफी बार इमोशनल हो गया था. अब जो नए टैलेंट आ रहे हैं, जो पुराने गाने गा रहे हैं, इतने अच्छे से गा रहे हैं. पिछले साल की अगर मैं बात करूं, ऋषि जी ने इतना बेहतरीन सिंगिंग किया, उन्होंने किताब भी जीता. आप अगर कुछ बताना चाहो, इस बार जो टैलेंट आया है स्पेशली जो लड़कियों की टीम है, उतना अच्छे से गा रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना? देखो एक बात क्या है कि ये सब यंग लड़के लड़की लोग है, ये लोग जो पुराने गाने को गा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है. राइट, कि जब पुराने गाने को इस एज की लड़कियां, इस एज की लड़के, जो आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले जो गाना बना, जो गाना हिट हुआ था, उस गाने को आज इस तरह से निभा रहे, ये एक खुशी है, संतुष्टि है कि ये लोग नए गाने को तो गा ही रहे, साथ साथ में पुराने गाने को भी गा रहे. तो ये एक संतुष्टि की बात है. दे आर ऑल वेरी गुड सिंगर्स. हमारे जो इस बार का जो पार्टिसिपेंट हम लोगों को मिला, आई थिंक इंडियन आइडल में ये बेस्ट टैलेंट है, लोगों ने इस बार ढूंढ के लाया, इसलिए शो भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इट्स गुड थिंग. शरद जी, आप भी ऐसे गाने में रिक्रिएट हो जब सर फिर से एज अ सिंगर, तो ऐसा कौन सा गाना होगा, क्योंकि सर के इतने सारे रिक्रिएट करना. अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखिए रिक्रिएट के पीछे पड़े हुए. नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा था वो बार बार. देखिए ऐसा है कि जैसे अभी दादा ने भी कहा कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, रिमिक्स रिमिक्स होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है. तो आई थिंक दादा ने जितने भी गाने गाए हैं, आई थिंक उनको ना छेड़े तो हम बेटर है. अगर छेड़ें तो ऐसे छेड़ें कि वो शायद पहली बात तो उनसे पूछा जाए कि हम छेड़ें या ना छेड़ें. लोग आजकल बिना बोले ही छेड़ देते हैं गानों को. तो आई फील वो गाने इतने हिट हुए उस टाइम पे जब ऑटो ट्यून वगैरह कुछ नहीं था, बहुत सारी मिक्सिंग टेक्निकलिटीज़ बहुत डिफरेंट थी. तब
इनको हम लेजेंडरी कहते हैं। तो लेजेंडरी के पीछे बहुत बड़ी बहुत बहुत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे दादा ने भी कहा कि किसी को लेजेंडरी कहना इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम डेफिनेटली फॉर मी इट्स अ बिग थिंग एंड आई थिंक अब तक का मैंने जो इतने वीडियोस किए हैं ये प्रॉब्ली फॉर मी इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इज दादाज वॉइस इज़ देयर। तो डेफिनेटली यार मतलब इतने सालों के बाद जो इन्होंने मेहनत की है तभी इनको आज ये किताब दिया गया है। तो आई थिंक ओरिजिनल्स आर ओरिजिनल और रिक्रिएट अगर कर रहे हैं तो उनसे परमिशन लें और फिर जैसे इनको चाहिए वैसा रिक्रिएट हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना रिक्रिएट तो कोई भी कर देता आजकल किसी भी गाने पे। आपकी अगर बात करें कौन सा गाना है दिल के काफ़ी करीब है कुमार जी का? कौन सा गाना है? आई थिंक यार इनके गाने सुन के तो हम बड़े हुए हैं यार। आई थिंक कौन सा गाना है जो दादा देखिए आप स्कूल टाइम में गुनगुनाते थे? वो तो यार मतलब हम सबका फेवरेट है यार। आई थिंक द ऑल टाइम आई थिंक एवरग्रीन सुपर डुपर बम्पर हिट आशिकी। आई थिंक इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता आई थिंक आज तक का इतने डेकेड्स का। तो दादा बोलेंगे गाने के लिए मत गाइएगा प्लीज। मैं खबरदार बट आई थिंक खतरों के खिलाड़ी के बाद सर आपने गन उठा ली हाथ में। शरद जी जी कैसे एक्सपीरियंस रहा? सिर्फ गन ही उठाइए भाई मतलब हाँ मतलब मैं पास खड़ी थी। हाँ आई थिंक देखिए वो गन उठाने के लिए ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड थैंक यू दादा वंस अगेन कि आप आए तो कितने चांद लग गए पता नहीं। नहीं नहीं चांद की बात छोड़ो देखो ऐसा तुम लोग जब भी करोगे हमें याद करो हम आ जाएंगे। हम आ जाएंगे और साथ में ऐसा बैठेंगे भी आप लोगों के। थैंक यू। सीन के बारे में जब बात करें सरद जी के साथ जो सीन है उसके कुछ वाक्य शेयर करेंगे आप? द गन शॉट नहीं वो बैट सीन के बारे जाना चाह रहे हैं। इंटरेस्टिंग सीन है वो गनशॉट में इंटरेस्टिंग नहीं उन्होंने बारह पूछा सीन बताइए सीन बताइए वो भी बता देंगे आपने आगे का दिखाया आगे पूछ रहा वो भी आप बता देंगे द वॉक आई स्टार्ट विद द वॉक। जब मुझे बोला गया था वॉक करना है आई थिंक नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट बट आई एम एन एक्स मिस इंडिया आई बीन अ मॉडल आई एम एन इंटरनेशनल मॉडल सो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दे सेड हां इसको बोलते हैं थोड़ा मटक मटक के चलो फर्स्ट टेक एंड जब कट बोला गया उसके बाद पूरी स्टोरी चेंज हो गई। आई बी वेरी ऑनेस्ट एवरीवन केम टू मी एंड दे लाइक आई एम लाइक क्या हुआ लाइक अब दिख रहा है अब पता चल रहा है तुम्हारे टैलेंट्स एंड काफ़ी मज़ा आया। इन्होंने भी काफ़ी मज़े किए बार बार वो टेक लेकर बट इट वॉज फन। आई वॉज रियली होपिंग कि वो हो शॉर्ट एंड वो शॉर्ट था एंड जैसे हम लोग बार बार गाना गा के उसको अच्छा करते हैं ना वो हाँ। ये बार बार रिटेक किया वो अच्छा बेहतर करने के लिए। सेकंडली कमिंग टू द गनशॉट सीन इट वाज फॉर मी एज एन एक्टर इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद द एम्यूनिशन। तो शरद वाज बीइंग वेरी वेरी केयरफुल ऑफ मी कि लवीना थोड़ा दूर खड़े रहो इतना पास मत आओ इवन दो इंस्ट्रक्शंस थे आपने देखा भी होगा मैं काफी पास खड़ी थी। He was being very careful and thank you. I told him that on the set as well. And it was very surreal because wo live location tha because it was not just three of us actors acting. Kafi background mein movement tha to agar ek kuch galat ho jata hai to we had to you know keep doing everything perfectly again. So that was nice. Wo real ekdam feel ke saath aaya wo shot. एंड जो अदर आप रोमांटिक सीन्स बोल रहे हो तो उसके लिए उसमें बहुत फील आई थी इनको मतलब सबको फील आई थी नहीं जो लोग देख रहा था इन लोगों को उनको आप लोग फील आई कि नहीं आपको फील आई कि नहीं तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं पूछोगे आप। हां सो रोमांटिक सीन्स के लिए लेट मी से दैट शरद इज अ वेरी स्वीट एक्टर ही मेड श्योर दैट आई वाज कंफर्टेबल इनफैक्ट ये भी मेक श्योर किया कि अननेसेसरी क्राउड वाज नॉट ऑन द सेट so it was shot very decently hum hamara hi kuch alag hi gana laga kar kuch kar rahe the set par we have our own memories behind the scenes but it was fun everything was decent aakhir aapko bachai liya bachai nahi wo main nahi bata sakti mujhe khud ko nahi pata na sir bachane ke piche kya raaz hai ye baad mein abhi bachayenge humne kisi ko haan ji abhi kisi ko nahi bachaya kya kya abhi reveal kuch nahi karenge hum thank you acha next gaane ke liye rakha hua hai नहीं वो बेसिकली देख रहे हैं कि मेरे तरफ से गाने में कितने व्यूज आते हैं तो अगर मारना नहीं है तो मुझे सेकंड सॉन्ग में दे दें। देखो एक बात मैं कहता हूँ आप लोगों को ये बहुत बोलना बहुत जरूरी है कि एक गाना ना इस गाने के बारे में आप कुछ अच्छी बातें अगर लोगों तक पहुंचा सकते हो सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि देखो ये आप लोगों के हाथ में डिपेंड करता है कि आप लोग इस गाने को क्या रिव्यू देते हो किस तरह से आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो अच्छा बोलो लोगों को बताओ कि ये गाना अच्छा गाना है आप सुनिए। तो इट डिपेंड्स
मैक्सिमम पोर्शन ऑन यू, बाकी तो पब्लिक तो बाद में सुनेंगे, पहले आप लोग हो, जो आप हमारे और पब्लिक के बीच में, आप बीच में हो। सो प्लीज़ आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है ये कि ये इस गाने को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लोगों को सुनाइए और इसके बारे में बताइए, गाने के बारे में, ताकि लोग सुने। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाद में पता चला कि नेक्स्ट डे सुबह से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आता है। मैं मैक्सिमम आपको जो सच है बता रहा हूँ, कुछ कुछ एक दो आ जाता है, कहीं कहीं छोटा मोटा कोई जगह पे कोई पता भी नहीं चलता, लेकिन आप इसको फैलाओगे तो एक 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 क्रांति टाइप का होगा कि मेलेडी को आप बाहर आने के लिए आप भी एक सहयोग दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी आपके लिए भी। सो ट्राई टू डू दैट प्लीज मेरे तरफ से। और कोई क्वेश्चन? और आपने पूछा था कि इस गाने में मैसेज क्या है, तो मैसेज तो साफ है, दादा ने भी कहा कि प्यार करो तो फिर एक तरफा करो, एकदम तोड़ के करो, फैंटास्टिक। मैं पहले ही बताया, वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा, गाने तो मैंने गा दिया था और बाद में गाना मेरे को टीजर वगैरह भेजा था, टीजर देख के मेरे को इंटरेस्ट हुआ और मैंने बोला कि असलम यार, बोला मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो मैं बोला ठीक है, वो मेरे को बोला कि दादा आपको आना पड़ेगा, मैं बोला 100% आएंगे, कितना भी काम रहे कुछ भी रहे, तो मैं आया और देखा पूरा वीडियो। देखने के बाद मेरे को लगा कि सब ब्यूटीफुल, एक बहुत अच्छा दोनों का केमिस्ट्री एंड डायरेक्शन जो है, जो उसमें जो खूबसूरती है कि एक स्टोरी, खूब सुंदर एक स्टोरी सामने आ रहा है, कुछ अनकही कुछ कही कुछ अनकही, ये बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए, एक डायरेक्टर का ये क्रेडिबिलिटी आपको जाता है, फैंटास्टिक जॉब यू हैव डन। दादा वो लवीना पूछ रही है वॉक कैसे लगी, वो बहुत गौर से नहीं देखा मैंने, आप बताइए ना कैसा लगा वो वॉक, जो पीछे से वॉक करते हुए जो पीछे से, ठीक लगा? उन्होंने देखा नहीं चश्मा लगाने के लिए, बस ठीक है, उनके चश्मे नहीं थे इस वक्त, बस ठीक है, थैंक यू सर, एवरीथिंग इज, थैंक यू, थैंक यू।